आप सबसे आज्ञा लेते हुए कुछ पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। वाह वाह वाह, प्रणाम। सुने, इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही कामों इबादत की तरह करते हैं, हम यही कामों इबादत की तरह करते हैं, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। चार पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ, बल्कि कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुने। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, सुने शेर। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता, जहाँ नहीं होता। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, शेर सुनाती हूँ। पिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, सुने। पिछड़ के दोनों को, पिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, पिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ के दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता, के दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबकी तरफ से एक शेर सुनाती हूँ। वफा हवा हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, अगर नहीं होता, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता। बहुत आभार। दरअसल दमदार ये दोनों माइक दम लेने वाले हैं, ये आपका असर हो रहा है थोड़ा सा, दमदार का संचालन है तो दम लेते हुए माइक सामने आए, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं। बहुत खराब है, सच बता रहे हैं, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। वो क्या करे, माइक वाले का पिछले साल का पेमेंट नहीं क्लियर हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बहरहाल वो किसी और रंग में रंगा हुआ है, इसलिए याद नहीं रहा उसको, गलत माइक उसने सेट कर दिया, कहीं और सेट करना था और कभी सम्मेलन के मंच पर आ गया। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करती हूँ क्योंकि मुझे आप लोग ताकत दे रहे हैं। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मन दे तो मैं एक गीत अपनी मर्जी से आपके आपके लिए पढ़ूं। और मन कैसे दिया जाता है, मन के लिए मतलब तालियां बजाई जाती हैं, तो आप मुझे तालियों से मुझे हिम्मत दें ताकि मैं एक गीत पढ़ती हूँ, सुने। दिए मोंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। आप कविता सुन रहे हैं तो मैं कविता ही सुनाती हूँ, सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस जुड़ जाइए आप मन से। दिए दिए मुंह
जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ, कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा दिए दिए मुनेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। बंद पढ़ना चाहती हूँ, जब ये गीत पढ़ती हूँ तो मुझे एक सीन याद आता है। अब से 2018 में मैं जब मेरा अमेरिका जाना हुआ, और अमेरिका का एक शहर है डैलस, हमारा मुशायरा वहाँ, हमारा कवि सम्मेलन वहाँ शिप पर हुआ, एक जहाज पर, हर साल होता है। हम हिंदुस्तान का जश्न भी मनाते हैं, कभी दुबई में जाकर मनाते हैं तो कभी हम अमेरिका में मनाते हैं, और गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तान का जश्न अमेरिका में और दुबई में मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी एक कवित्री के लिए क्या होगी। आपको मैं बताऊं, हम लोगों से ये चेतावनी दे दी गई थी कि आज तूफान आने वाला है, आज बारिश बहुत तेज होगी, तो आप जो ये अपना कवि सम्मेलन करना चाहते हैं ये किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह कर लें, क्योंकि तूफान आने वाला है, आप जहाज पे नहीं कर सकते, क्रूज पे नहीं कर सकते। तो हमारे हिंदुस्तानियों ने कहा कि आज चूंकि हिंदुस्तानियों का कार्यक्रम है और हिंदुस्तानी हर तूफान से टकराना जानता है। क्या बात है, वाह वाह। आप यकीन करें, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इस गीत को, और वो अमेरिका का कार्यक्रम देख सकते हैं। मैं ये गीत पढ़ रही थी, बहुत तेज बारिश होने लगी, पहले धीमी धीमी होने लगी फिर तेज होने लगी, और जैसे ही मैंने कुछ गजलें पढ़ने के बाद ये गीत पढ़ना शुरू किया, बारिश थोड़ी थमी और सिर्फ एक ही नारा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मुझे ये मंजर याद आ जाता है जब मैं ये गीत पढ़ती हूँ, और हमारे अपने अच्छे सच्चे जब श्रोता हमारे सामने होते हैं तो खुशी का आनंद ही कुछ और होता है। बस वो आनंद मुझे आपसे चाहिए। पन पढ़ती हूँ, पंक्तियां पढ़ती हूँ, स्वागत है। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसे एक बार और पढ़ूं, तो मुझे तालियां बजाकर आप मुझे आदेशित करें। बहुत आभार, बहुत एहसान आपका। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ, दिए मुंडेरों और बंसे के पंतियां देखें ना, मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्ता है, ना शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। तारों का जो छुरमुट होता है उसको कहकशां कहते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है कि ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्ता है, ना शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनों ना कहकशां है। मैं बस में शेरों
मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ, दिए मुंडेरों बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे हयात कैसी। जैसे ये पंक्तियां पढ़ना शुरू की बारिश थमी के बिना तुम्हारे हयात कैसी, जीवन हयात बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, कायनात दुनिया बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं के मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसा, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं के मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी, मैं जिंदगी जी छा रही हूँ। और ये क्या ताल्लुक, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, मालूम ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, के मैं ही रोती रहूं हमेशा, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, के मैं ही रोती रहूं हमेशा, ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के दुख अकेले सहूं हमेशा, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, के मैं ही रोती रहूं हमेशा, ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के दुख अकेले सहूं हमेशा, कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ के दुख अकेले सहूं हमेशा, कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा गीत पढ़कर दो बन पढ़ती हूँ, उसके बाद अपनी जगह मुझे आज्ञा दे दें, क्योंकि माइक सच में बहुत जान ले रहा है। एक बार फिर से हर हर महादेव का नारा लगाएं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बहुत नमः, हर हर महादेव, बिल्कुल स्वागत, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, हम जब बाहर जाते हैं यकीन जानिए तो यही हमारा नारा होता है, और हम सोच सकते हैं कि हमें कितनी खुशी होती है। चलिए मैं एक गीत पढ़ती, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, होली का उत्सव मना रहे हैं, दमदार सुने, कोई बात नहीं,
गुरु कोई बात नहीं कर हम अपने दिमाग में लगे आप इधर भी ध्यान रखें सारे जुगाड़ इधर ही हैं कंफ्यूज ना हो उस बेचारी को कंफ्यूज क्यों कर रहे चलिए सुने बहुत दिनों के बाद एक गीत पढ़ रही हूँ मेरा बहुत पुराना गीत है स्वागत है स्वागत है चलिए मैं पढ़ती हूँ तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं रोशनी बन के तेरे घर के चराहों में रहूं तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों में रहूं पंक्तियां देखें तेरा वादा भी नसियासी हो तेरा वादा भी नसियासी हो अफ़ज़ाओं में न उदासी हो अफ़ज़ाओं में न उदासी हो छू के कदमों को हर खुशी गुजरे काश अब यूं ही के प्यार ये मेरा तुझसे कहता है दिल की धड़कन में तू ही रहता है प्रीत में तेरा दिल भी खो जाए कृष्ण के जैसा तू भी हो जाए बन के राधा मैं तेरी मुरली की तानों में कि तुझे चाहा है तुझे चाहूंगी तुझे चाहा है तुझे चाहूंगी मैं ना चाहत से बाज आऊंगी तुझे चाहा है तुझे चाहूंगी मैं ना चाहत से बाज आऊंगी तेरी उल्फत तेरे साथ तेरे दिन तेरी रातों में
तेरी आंखों में रहूं तेरी आंखों। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही महफिलें सजती रहें और हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब ऐसे ही चमकती रहे। क्या बात।